Response to Pakistan's repeated provocations, India conducted surgical strikes in Pakistan, destroying terror launch pads across the line of control. Army Special Commando Forces crossed the line of control in this very huge, well-thought-out, daring operation. Special Commandos, in fact, what we hear, penetrated 3 kilometers into Pakistan territory, targeting 6 terror camps. Now, the Defense Minister, Manohar Parikar, along with the Army Chief General Dalbir Singh Sohag, Ajit Doval, who is the National Security Advisor, and the DGMO, Lieutenant General Ranbir Singh, and other senior officials were all monitoring this particular operation. Assalamu alaikum, Nazreen. I am Noorul Arfin Siddiqui, and you are watching the program Aman Barabri. इंडियन मीडिया के बूदे दावों पर मबनी ये गुमराहकुन न्यूज रिपोर्ट जो आपने अभी मुलाहिजा की उसे देखकर यूं लगता है जैसे पाकिस्तान कोई खुद मुख्तार मुमलिकत है न पाकिस्तानी फौज कोई जमीनी हकीकत और इंडिया की ये मस्खरी फौज जिसे मकबूजा कश्मीर के जवांसाल लड़कों ने एक अरसे से तिगनी का नाच नचा रखा है इतनी शुजा और दिलेर है कि पाकिस्तान पर हमला करके वापस भी चली गई और इधर हमारे जवान हाथों में बंदूकें थामे अमन की बांसुरी बजाते रह गए। Now based on very specific and credible information which we received yesterday, that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir and various other metros in our country. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists and those who are trying to support them. The operations aimed at neutralizing the terrorists have since ceased. We do not have any plans for further continuation of the operations. However, the Indian Armed Forces are fully prepared for any contingency that may arise. I have just spoken to the Pakistani Director General of Military Operations and explained our concerns and also shared with him the operations we had conducted last night. झूठ बोलो और इतना बोलो कि सच लगने लगे। बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क का कोई भी शोभा, खास सहाफत हो या सियासत, इस कॉल की अमली तफसीर नजर आता है। इंडियन DGMO हिंदी में भी बोले और अंग्रेजी में भी, मगर इन दोनों जुबानों में मौसूफ ने उन मकामात का नाम लेने की जहमत तक गवारा न की जहां खुद उनके बकौल उनकी बहादुर अफवाज ने फतह के झंडे गाड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि आपको बता दें, उरी के बदले की बात कही थी, घुसकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारा। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के वजूद को नकार रहा है तो स्पष्ट है कि नाक कट गई है पाकिस्तान की। रश्क आता है मुझे अकलो खिरत से आ रही उस भारतीय जनता पर जो इंडियन DGMO और भारतीय मीडिया के उन बेबुनियाद दावों पर आंखें बंद किए यकीन किए जाते हैं। कोई सोचने की जहमत गवारा नहीं करता कि इंडियन पार्लियामेंट अटैक, मुंबई हमलों, पठानकोट मैसेकर और फिर उड़ी स्ट्राइक के वक्त ये शेर जवान और उनके ये हौसले कहां रह गए थे। नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल ट्रेड अमजद शुएब साहब ने। अमजद साहब, भारतीय फोर्सेज ने अपने तौर पर कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट की और फिर मिट्टी के ये भारतीय शेर
पूरी हिफाजत के साथ अपने अपने ठिकानों को लौट भी गए। सर पैर से आ रही इस कहानी पर आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत में मसला बहुत गंभीर हो गया था पूरी के वाक्य के बाद। उन्होंने इतना ज्यादा शोर व गुल किया, वावेला मचाया, और फिर उसके साथ साथ अपनी एक पोजीशन जाहिर की कि जी हम पाकिस्तान को बड़ी सजा दे सकते हैं। वो इस तरह की बातें बड़ी बड़े दावे कर करके इन्होंने अपनी कौम को एक ऐसे नहज पे पहुंचा दिया जहां उनकी तवक्कोआत बहुत थी कि हमारी कौम कुछ करे, और ये भारत को कुछ देर बाद वाजे हो गया कि कर करा कुछ नहीं सकते, अगर कुछ करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब आएगा आगे से, तो वो तो और भी ज्यादा उनके लिए तकलीफ और परेशान कुन होता। तो इस वजह से अब जरूरत इस बात की थी कि कोई फेक ड्रामा रचाएं और उस ड्रामा के जरिए अपने अवाम को ये बावर कराएं कि जी हमने पाकिस्तान को सजा दे दी। ये इससे प्रोपेगेंडा खूब करें तो दुनिया को भी शायद ये मैसेज जाए और उसके साथ अपने अवाम तो मानेंगे और खुश हो जाएंगे चलें और हमारे सर से बला टल जाएगी। तो ये खुद ही अपने जाल में फंस गए इस सारा बावेला मचा के, और जब जाल अपने में फंसे तो निकलने का रास्ता कोई नजर नहीं आता था। चुनाचे पहले 18 उड़ी में मारे गए, अब मजीद पाकिस्तान की आत्म मरवा ली है और अपने लोगों को चुप करा दिया। तो मैं समझता हूँ ये कहमकाना सी चाल थी, बरसूरत हमें भी इसको भरपूर तौर पर बेनकाब करना चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि ये कितने झूठे और कितने ड्रामाबाज हैं। तो ये सूरत हाल है, मैं समझता हूँ ये अपनी ही जो इन्होंने गड़ा खोदा हुआ था उसमें खुद गिर गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साफी और तजियाकार ताहिर मसूद साहब। ताहिर साहब, इस वक्त के जब पूरे का पूरा इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर जंगी जुनून में मुब्तला है, वहीं हमारे कुछ नाम नेहाद तबसरा निगार, दानिश्वर और मफादात के गुलाम बाहमी दोस्ती के फरोग और तिजारती हुजूम में इजाफे के जरिए एतमाद साजी की जरूरत पर जोर देते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की वतन परस्ती पर दो हुर्फ भेजना चाहेंगे आप? देखिए जनाब, मैंने भी अभी कुछ इंडियन चैनल्स के प्रोग्राम्स देखे हैं और मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूं आपकी इस बात की कि इंडियन मीडिया, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बिल्कुल एक जंगी जुनून में मुब्तला नजर आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से हमले का खौफ उनके आसाब पर छा गया है और उस खौफ का इजहार वो इस शिद्दत से कर रहे हैं कि प्रोग्राम देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि जैसे जंग छिड़ चुकी है। तो मीडिया का, किसी भी मुल्क का मीडिया जो है, उसका ये काम नहीं होता कि जंग के अंदेशे या उसके खदशात को बढ़ावा दे। इसके बरक्स मीडिया जो है वो मुहिब वतन होने के बावजूद अपने अवाम के वसी तर मफादात, और चूंकि मीडिया का काम अमन का कयाम है, ठीक है ना, हर हाल में अमन की ही हिमायत करनी चाहिए, तो बजाय इसके कि वो अपने अवाम के जज्बात को पुरसकून रखें और अपनी हुकूमत को मुतवज्जो करें कि भाई दुनिया का हर मसला बातचीत से ही हल किया जाना चाहिए, ये दुनिया तालीम ने, तहजीब ने यही सिखाया है। तो इसके बिल्कुल बरक्स इंडियन मीडिया का तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब या तो जंग छिड़ चुकी है, और अगर नहीं छिड़ी है तो उनकी सारी कोशिश ये कि जंग छिड़ जाए, तो ये मीडिया का किरदार नहीं होता। इसके बरक्स पाकिस्तान के भी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यानी चैनलों के प्रोग्राम में देख रहा हूँ, उसमें ज्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि बातचीत हो रही है और टॉक शोज हो रहे हैं, तबादला ख्याल हो रहा है। अब मैंने इत्तफाक से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कुछ लोग जो हैं इस मौके पर वो तिजारत करने की बातें कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो खैर ये तो बेवक़्त की रागनी है, लेकिन मैं इस बात की हिमायत नहीं करता कि किसी भी मीडिया को जंगी जुनून का बढ़ावा देने की बातें करनी चाहिए। अमन की जरूर बात करनी चाहिए और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। इसकी वजह यह कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग में नुकसान होता है, हलाकतें होती हैं, हम 3-4 जंग लड़ चुके और हमने उसके नतायज देख लिए, वो नतायज अच्छे नहीं है। तो इसलिए जंग को कोई भी पुरम शख्स, महजब शख्स उसकी हौसला अफजाई नहीं करेगा, और चूंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक पड़ोसी मुल्क है तो पड़ोसियों में तो वैसे भी
जंग की बात करना जो है किसी तरह कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर इंडियन मीडिया जंगी जुनून को बढ़ावा देना चाह रहा है तो वो तो गलती कर रहा है। तो इस गलती को हमें भी नहीं दोहराना चाहिए और हमें इत्तेदाल में रहकर, माकूलियत में रहकर जो है वही बात करनी चाहिए जो इंसाफ की बात है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई चैनल या कोई सहाफी, कोई एंकर जो है वो ऐसी बातें करे जिससे वतन फरोशी की बू आए। ये भी बात ठीक नहीं है, ये बात भी ठीक नहीं है, ये बात भी ठीक नहीं है। और मैं इसकी शिद्दत से मजम्मत करूंगा अगर कोई ऐसी बात करता है कि अम के नाम पर अपनी गैरत को नीलाम करने पर आ जाता है, तो ये एक काबिल मजम्मत बात है और किसी तरह भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार अजीज खान साहब। खान साहब, सियासी एतबार से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की ये कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ भारतीय अवाम के लिए कितनी काबिल यकीन और भारतीय हुकूमत के लिए किस हद तक सियासी रिलीफ का बायस साबित हो सकती हैं? इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो जो भारतीय चैनल है वो किस तरह दिखा रहे हैं, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है इस सारी टेंशन को बढ़ाने में भी और इसको प्रोमिनेंस देने में भी वो मीडिया का बहुत रोल बढ़ गया है। और मीडिया जिस तरह इस चीज को उछालता है, खासतौर से इंडियन मीडिया, अब उसमें अगर मीडिया ने जिस तरह उसको प्रेजेंट किया है, वो जो प्रेजेंटेशन उनकी है वो मेजोरिटी ऑफ इंडियन पब्लिक गालिबन उस पर यकीन करेगी कि ये हो गया है और हुई है सर्जिकल स्ट्राइक्स। हालांकि अगर आप उनका स्टेटमेंट देखें जो उनके डीजीएमओ ने कल दिया था, उससे जो तासुर मिलता है वो यही मिलता है कि उन्होंने वो क्रॉस एलओसी फायरिंग की है और जिसको कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कह रहे हैं। हमारी तरफ से जो कहा गया है वो यही कहा गया और अभी तक यही चीज है कि वो क्रॉस एलओसी फायरिंग थी जो कि उमूमन होती रहती है। लेकिन अगर इससे इंडियन पब्लिक की तसल्ली हो जाती है और उससे वो एक टेंशन जो हाइटन हुई है वो कम हो जाती है, तो ठीक है, इस किस्म की जो कप है उसने अपना पर्पस सर्व कर, एक यूजफुल सर्व कर दिया होगा और हमें उसको ज्यादा उसको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। और जो हमारे स्टेटमेंट है वो हमारे ISPR ने दे दिया है और वो हमारे लिए काफी। Mr. President, on behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. These Indian brutalities are well documented. I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. aur ab kuch zikr us mubarak ghadi ka jisne pakistan ki muqaddas sarzameen par basne wale 18 crore se zyada pakistaniyon aur maqbooza kashmir mein bhartiya afwaj ke zulm o sitam ka mardana war samna karne wale kashmiri bhaiyon ko अक्वामे मुत्तहदा के हालिया इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों भारत की नाकाबिले फरामोश सिफारती रुसवाई का मंजर देख लेने के बाद भारतीय वजीर खारजा की लूली लंगड़ी वजाहतें सुनना नसीब की। ये समझ में आई कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है? हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर, क्या कोई शर्त रखी थी?
प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगा कर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। मकामे अफसोस के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ी पर होने वाले मुबैना हमले की आड़ लेकर अक्वामे मुत्तहदा के हालिया इजलास में अदम शिरकत के जरिए जिस सिफारती नाकामी और बैन अल-अक्वामी जग हसाई से बचने के 100 जतन किए, मगर ना मेहरबान वक्त ने उनकी इस चाल को कामयाब न होने दिया और भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की मुबहम और लायानी तकरीर के बावजूद एक अहम तरीन बैन अल-अक्वामी फोरम पर एक और अहम तरीन नाकामी भारत का मुकद्दर ठहरी। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था, लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूं, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। कि मैं एक चीज यहां बता दूं, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहां ये कह देना चाहती हूं कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस तारीखी और जुर्रत आमेज तकरीर के बाद नाम निहाद सेकुलर जमहूरिया की दुख्तरें नेक अख्तर सुषमा स्वराज ने भारत के मुंह पर मली जाने वाली इस कालक को धोने की अपनी सी कोशिश जरूर की, मगर ये लूली लंगड़ी कोशिश भी कैंसर का इलाज बुखार की गोली से करने जैसी ही थी। खान साहब, आपके ख्याल में सुषमा स्वराज की सवाल चना और जवाब गंदुम जैसी ये तकरीर किस हद तक आलमी बरादरी का पेट भर पाएगी? मेरा ख्याल है वर्ल्ड कम्युनिटी इस तकरीर को एक इसको इस तरह ही देखेगी कि वो एक परफॉर्मा तकरीर थी, जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की थी उसके जवाब में कुछ जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज तो यह है कि बलूचिस्तान का और कश्मीर का मुवाजना करना बिल्कुल एक बेकार बात है, बिल्कुल गलत चीज है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वहां पे अगर थोड़ी बहुत कोई हरकतें कर रहे हैं इंसर्जेंट्स तो वो उसका मुकाबला जो कश्मीर में एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, कश्मीर में जिस तरह वो चल रहा है उससे नहीं किया जा सकता। इंडिया कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, जो उनके खिलाफ कश्मीरी अवाम के जज्बात हैं और उनको कुचलने के लिए जिस वेहिमेंस के साथ और जिस क्रूएल्टी के साथ इंडिया ने रिएक्शन किया है, उस सारी दुनिया ने नोटिस किया है। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कितने 100 लोग जो है उनकी आई साइट के ऊपर असर हुआ है, अंधे हो गए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, हजारों में लोग जख्मी हुए हैं। इस किस्म का शदीद एक्शन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हुआ है कि सारी दुनिया ने उसका नोटिस लिया है। और इसका ये कहना सुषमा स्वराज था कि बलूचिस्तान से कंपेयर करें, ये बिल्कुल एक लघु सी बात है, सॉरी फॉर दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन वो जो है दुनिया की कोई कंट्री भी इस चीज को तवज्जो नहीं देगा। बलूचिस्तान में एक हुकूमत चल रही है, बलूचिस्तान में अमन है, कहीं कहीं अगर छोटी मोटी वाकयात हो रहे हैं तो दुनिया में हर जगह होते हैं। उसके मुकाबले में हमने आज तक इंडिया के अंदर जो दाखिली इंसर्जेंसी चल रही है उसका कभी जिक्र नहीं किया, हालांकि अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कितनी इंसर्जेंसी चल रही है और इस हद तक चल रही है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सेंट्रल इंडिया के अंदर जो मॉरिस्ट का मूवमेंट चल रहा है वो 70 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल तकरीबन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हमने उसका जिक्र नहीं किया। वो इंडिया का अंदरूनी मामला है, जिस तरह वो चाहे टैकल करें, लेकिन जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर की एक हकीकत है, कश्मीर को दुनिया में वो जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अब इस ये जो एट्रोसिटीज इंडिया ने सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है उसका दुनिया ने नोटिस लिया है और वो इसको उससे
अमजद साहब, भारतीय वजीर खारजा ने बलूचिस्तान के मामले पर सवाल उठाकर भारत की प्रायोरिटीज पूरी तरह वाजे कर दी। आपके ख्याल में मियां साहब अपनी तकरीर में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का तस्करा करना कैसे भूल गए? देखिए, बात यह है कि बाद में मेरा ख्याल है हमारी मलिया लोधी ने जिक्र किया बलूचिस्तान का भी, और आपकी बात दुरुस्त है कि होता बेहतर यही होता कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी अपनी तकरीर में भारत की मदाखलत का जिक्र करते बलूचिस्तान में और उसको बेनकाब करते। लेकिन ये चीज जो है ये अभी इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि भारत को जवाब दिया जाए, जहां हम खालिस्तान की मूवमेंट में हम बहुत कुछ मदद कर सकते हैं, नक्सलाइट्स की और बहुत बेशुमार हैं। अब शीशे के घर में बैठ के अगर भारत ने पत्थर फेंका ही है तो फिर उसके शीशे के घर के ऊपर पत्थर वापस आने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बेहतरीन स्ट्रेटेजी यही होगी कि अब भारत को उसी के ही घर में बैठे हिसाब चुका दिया जाए। मसूद साहब, सुषमा स्वराज अपनी तकरीर में किसी बेचारे बहादुर अली के नाम की दुहाई दे रही थी। आपके ख्याल में जिस वक्त ये मौसूफा ये मातम फरमा रही थी उस वक्त उन्हें कुलभूषण यादव जो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस अफसर है उसका ख्याल छूकर क्यों नहीं गुजरा? देखिए, असल बात ये है कि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है और दुनिया से जो उनके मामलात हैं वो नहायत ही डिप्लोमेटिक, नहायत दूरंदेशी पर मबनी, चालाकी और अयारी पर मबनी होते हैं। असल हकायक को वो कभी आलमी प्लेटफॉर्म पे तस्लीम नहीं करते। कश्मीर में जो कुछ इंडियन फौजें कर रही हैं उसको तो खुद इंडिया के जो माकूल लोग हैं वो भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो उस कश्मीर की जो सूरत हाल है उसकी तरफ उसका क्योंकि दिफा करना उनके बस में नहीं है, इसलिए कि एक ऐसी हकीकत है जो सारी दुनिया को मालूम है कि कश्मीर में इनकी जो हजारों की तादाद में जिन्होंने अफवाज तैनात कर रखी हैं वो किस बेरहमी से उन छोटे बच्चों को वो इनके हाथ में पत्थर के सिवा कुछ नहीं है वो उसको किस तरह से मार रहे हैं, हलाक कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और एक दरिंदगी का और बहिमियत का एक ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं जिसकी तवक्को किसी ऐसे मुल्क से नहीं की जा सकती जो खुद को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का लंबरदार कहता है। तो एक तरफ उनका चेहरा जमहूरियत का है, दूसरी तरफ कश्मीर में जो उनकी पॉलिसी है वो कतई फिस्ताइयत की और जुल्म पर मबनी पॉलिसी है, तो उसका दिफा वो कैसे करेंगे आलमी प्लेटफॉर्म पर आकर? जाहिर है कि उस दिफा करने का एक ही तरीका रह जाता है कि बेबुनियाद इल्जाम तराशी करके अपनी जारहियत का मकरूह चेहरा जो है वो छुपा करके दुनिया को गुमराह कर सके। तो सुषमा साहबा जो हैं वो तो वैसे ही बहुत ही तेजो तरार खातून है और उनको मालूम है कि बात कैसे की जाती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज की दुनिया में जबकि मीडिया और ज़राए इब्लाग के वसाइल इतने बढ़ चुके हैं और हर लम्हे की तला एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, उसमें इस किस्म की बेबुनियाद बातें और इल्जाम जो हैं वो उन हकायक का चेहरा किसी तरह भी नहीं छुपा सकती जो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जिससे आलमी बिरादरी भी वाकिफ है और खुद हिंदुस्तान के अवाम भी वाकिफ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सुषमा साहबा के वो जो बयानबाजी है उस पर बहुत ज्यादा संजीदा तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हकीकत हाल से सब वाकिफ है। And as news just coming in, the Prime Minister held a meeting to review the Indus Water Treaty. He was briefed about the aspects of the treaty. The message that the Prime Minister gave in this review was clear, we've learned according to our sources. Apparently, his stand was blood and water cannot flow at the same time. An interministerial task force is now to be set up on the Western Rivers for India's rights to be protected. The PM was briefed about how India has so far, as a goodwill gesture, not exploited the full potential of the water from these Western rivers to maximize benefits for farmers of Jammu and Kashmir. Sharm tumko magar nahi aati, doob mare gori chamdi magar siyah kulub wale naam nihad daiyane amno tehzeeb, jinke muh par is bayan ke zariye Modi Maharaj thook kar aage badh gaye. गोया आलमी मुआहदे और बैन अल अक्वामी उसूल और जवाबित कोई हैसियत ही न रखते हो। दिस मॉर्निंग
India Today broke the story of the Water Resources Ministry calling an urgent meeting to discuss the possibility of going back on the provisions of the Indus Water Treaty. Remember, this is unprecedented. Can India use water as a weapon? We are going to be talking about this over the next 30 minutes. But before that, let me take our viewers through what the Indus Water Treaty is really all about and why this is so crucial in its existence. It was in 1960 that the Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan. This treaty gives India the right to use three rivers and gives Pakistan the right to use three rivers. The treaty defines water sharing arrangement for six Indus Basin rivers. 65% of the landmass in Pakistan is part of the Indus Basin. 90% of Pakistan's irrigated area depends on Indus Basin rivers. 81% of the total water of the Indus Basin is reserved for Pakistan. Therefore, several people in India very strongly feel that the Indus Water Treaty is skewed heavily in favor of Pakistan. خان صاحب آپ کے خیال میں سیاسیات کے بین الاقوامی اصول کیا کہتے ہیں کیا بھارت کے لیے یوں یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی کی دھجیاں بکھیر دینا ممکن ہوگا اور ایسی صورت میں اس معاہدے کے عالمی ضامنوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے دیکھیے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے سندھ طاس منصوبہ جو ہے اس کو یونی لیٹرلی نہیں ایبروگیٹ کر سکتا ہندوستان اور ان اینی کیس ہماری طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی ہو گیا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوشش بھی کی تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا اس کے علاوہ بھی ساری دنیا اس کا نوٹس لے گی ساری کو اس چیز کو الاؤ نہیں کرے گی اس میں ورلڈ بینک کا بھی رول ہے ورلڈ بینک نے میڈیٹ کیا تھا یہ اگریمنٹ اور اس کے اندر تو ان کا بھی ایک رول ابھی بھی ہے کیونکہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتی ہے تو ورلڈ بینک کے پاس ہی ہم جاتے ہیں تاکہ وہ یا نیوٹرل ایکسپرٹ یا کورٹ آف آربیٹریشن اپوائنٹ کرے اس سلسلے میں تو وہ اس میں ایک رول ہے اور وہ رول وہ امید ہے کہ وہ ادا کیا جائے گا اور اس میں میرے اپنے خیال میں یہ ایک لیڈر بھکتی ہے انڈیا کی طرف سے وہ اس کو کینسل نہیں کر سکتا پاکستان ایک آلریڈی واٹر اسٹریس کنٹری ہے یعنی جو پانی ہمیں ملا ہوا ہے وہ بھی پاکستان کی جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لیے اب کم ہوتا جا رہا ہے اور اس میں اگر کسی قسم کی بھی کوئی حرکت کی گئی تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ تو ہماری بالکل لائف لائن ہی ختم ہو جائے گی پانی کے بغیر تو زندگی نہیں آگے چل سکتی تو ظاہر ہے کہ اس پر پوری قوم کا بالکل یکجا ہونا ہوگا ہے اور وہ کنسنسس ہوگا اور بہت زور و شور کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ پاکستانی حکومت بھی اٹھائے گی پاکستان کے عوام بھی اٹھائیں گے اور سندھ طاس معاہدہ منسوخ کرنے کی گیدڑ بھبکیاں بھارت کو مہنگی پڑیں گی چین سندھ طاس معاہدے کا فریق نہ ہونے کے باوجود اہم کھلاڑی ہے دریائے سندھ بھارت نہیں چین کے علاقے سے شروع ہوتا ہے بھارت کا اہم ترین آبی ذریعہ دریائے برہما پترا بھی چین کے کنٹرول میں ہے چین نے دریائے سندھ کا رخ موڑا تو بھارت 36% پانی سے محروم ہو جائے گا تو سندھ طاس معاہدہ توڑنے سے پہلے بھارت کو اب سوچنا ہوگا سندھ طاس معاہدہ منسوخ کرنے کی گیدڑ بھبکیاں بھارت کو مہنگی پڑیں گی امجد صاحب انڈیا پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کرے یا پاکستان کا پانی بند کر کے ہمیں بنجر کر ڈالا جائے چین یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشا دیکھتا رہے گا نہیں اگر تو بھارت کو ایسی کاروائی کرے جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری یا سلامتی کو خطرہ ہوگا یا بھارت کو ایسی کاروائی کرے جس سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر چین اس میں بھرپور طریقے سے بھارت کے خلاف شرکت کرے گا آج بھی چین کی جہاں تک سفارتی اخلاقی اور میں سمجھتا ہوں کہ مادی مدد بھی جہاں تک آپ کہہ لیجیے وہ پاکستان کو حاصل ہے اس میں چین بالکل بڑے مستقل مزاجی سے پاکستان کے ساتھ مضبوط طریقے سے کھڑا ہے لیکن یہ ہے کہ بھارت چونکہ ابھی تک اس طرح کی جارحیت کا ارتکاب نہیں اس نے کیا اور اگر ایسا کوئی جارحیت کا ارتکاب کیا جس سے چین اور پاکستان کے منصوبوں پہ کچھ خطرہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھارت کو یقین رکھنا چاہیے کہ چائنا کا ریاکشن اس سے بڑا وائلنٹ اور سخت ہوگا مسعود صاحب پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا مہذب ملکوں کے لیے ناقابل تصور ہو سکتا ہے لیکن اس حوالے سے انڈیا سے کسی قسم کی خوش فہمی وابستہ رکھنا کیسا ہے اور اگر واقعی مودی سرکار ایسی کوئی حرکت کر گزرتی ہے تب بھی کیا حکومت پاکستان عالمی برادری کا منہ دیکھتی رہے گی یا آپ کے خیال میں اباؤٹ ٹرن اور کوئک مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ
भारत जो है वो हमारा पानी, पाकिस्तान का पानी बंद कर ही नहीं सकता। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि ये पानी का हिंदुस्तान से आना जो है, उनकी दरियाओं से हमारे यहाँ आना जो है, ये एक एग्रीमेंट के नतीजे में हुआ है, ठीक है ना। और इस एग्रीमेंट का की जो जमानत है वो वर्ल्ड बैंक ने दे रखी है। लिहाजा वो अगर ऐसा करेंगे तो नंबर वन उस एग्रीमेंट को तोड़ना पड़ेगा जो उनका हुआ है। दूसरी बात ये है कि उसका उसका जमानती जो है, उसकी गारंटी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दी है। वर्ल्ड बैंक जो है फिर इस सारे मामले का जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसने जमानत दी है पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मोदी सरकार ऐसी अहमकाना हरकत सरगत करेगी कि जिससे नंबर वन पाकिस्तान से मुहदा तोड़ना पड़ेगा, नंबर टू वर्ल्ड बैंक के सामने उनकी हैसियत एक मुजरिम की होगी, नंबर थ्री आज की मुहजब जमहूरी दुनिया में खुद भारत का इमेज क्या रहेगा कि वो पानी रोक करके उन इंसानों को जो उसके पड़ोस में रहते हैं उनको वो प्यासा मारना चाहता है, उस आबादी को। तो मैं नहीं समझता कि ये अहमकाना कदम जो है वो भारत उठाने की जरूरत कर सकेगा। इसलिए कि जिंदा रहना जो है हर कौम का हक है, और उस जिंदगी को पानी के जरिए या गजाई अजनास के जरिए रोक करके इंसानों को भूख से और प्यास से तड़प कर मारने की हिम्मत जो है इस दुनिया में मैं नहीं समझता हूँ कि भारत के पास है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसके जवाब में फिर उस सूरत में भी जंग छिड़ सकती है और उसकी सारी जिम्मेदारी फिर वो खुद भारत पर आयद होगी। तो मैं नहीं समझता कि इतना अहमकाना और गैर दानिशमंदाना कदम जो है वो भारत उठाएगा। वो धमकी देने की बात और है, धमकियां तो दी जाती हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हर धमकी काबिल अमल नहीं होती। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और कुछ पाकिस्तानी फौजी जवानों की शहादत पर खुशियां मनाने वाले न भूले। आग जब फैलती है तो अपना या पराया घर नहीं देखती। मुमकिन है वक्ती तौर पर भारतीय आवाम को यह तासुर जरूर दिया जा सके कि मोदी एंड डुअल कंपनी अब भारत माता की सेना के सरों पर फतह का ताज सजाया ही चाहती है, लेकिन यह अहमकाना ख्वाब देखने वालों को भारतीय फौज का दागदार माजी, इंडियन पार्लियामेंट अटैक और मुंबई हमले फरामोश नहीं करने चाहिए। जब उनके शेर दिलेर जवान हाथों में भारी भरकम बंदूकें थामे अहमकों की तरह इधर से उधर भागते फिर रहे थे, क्या पता अगले आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसी ही एक और आजमाइश उनकी मुंतजिर हो। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।